Hello everyone, good evening. Once again, I welcome you all on Wi-Fi study. Wi-Fi UPSC, we're changing the way of learning is our motto. चलिए आज एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जो रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी हुआ था 1946 का फरवरी में, 18 फरवरी को हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं. उसके पीछे वजह है, अभी ये आपके न्यूज़पेपर में भी रहा था, कल के न्यूज़पेपर में RIN म्यूटनी, क्योंकि आप जानते हैं कि आज 19 फरवरी है और कल था 18 फरवरी. 18 फरवरी 1946 को ही ये RIN म्यूटनी हुआ था. इसके बारे में हम लोग समझने और जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिफोर दैट जस्ट ट्राई टू जस्ट लाइक एंड शेयर इट मैक्सिमम. सो प्लीज सभी लोग आ जाइए. गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को. प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए. नमस्ते सभी को, नमस्ते. चलिए चलिए आ जाइए. चलिए देखिए, RIN म्यूटनी हुआ क्या है. दरअसल क्या है, एक सिप हुआ करता था, HMIS तलवार, ये सिग्नल सिप होता था. सिग्नल का मतलब समझ रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन के लिए जो काम किया जाता है उस समय. सो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था, जो भी संचार होता था ना उसके लिए इसको यूज़ किया जाता था. उस जहाज़ के ऊपर में कुछ इंडियन सेलर्स थे, ठीक है, जिसको उस वक्त रेटिंग्स भी कहा जाता था. उन लोगों ने वहाँ स्ट्राइक कर दिया. उसके पीछे वजह ये थी कि उन लोगों को जो खाना था वो बहुत ही गंदा खाना दिया जाता था. इनफैक्ट कहूँ तो रॉटन खाना दिया जाता था, सड़ा गला खाना दिया जाता था. साथ ही साथ उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता था, इन कंपैरिजन टू जो वाइट थे, जो वाइट सेलर्स थे उनके कंपैरिजन में. सैलरी भी उनकी बहुत कम होती थी. एक लंबा विक्षोभ चल रहा था, लेकिन अचानक से एक इमीडिएट कॉज ये होता है कि खाने को लेकर के जो है सो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया. जब इनके साथ कंप्लेन किया गया तो उन्हें कई तरीके की गालियां भी दी गई थी, इनफैक्ट उस समय के जो कमांडर थे उनके द्वारा. नतीजा होता है कि ये विद्रोह उस वक्त फरवरी के मंथ में 1946 में हो गया था, और 3 दिनों के बाद ही इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना साहब के प्रयासों से इसे फिर कंट्रोल भी कर लिया गया था. बट इंडियन नेशनल मूवमेंट में अगर हम लोग बात करें तो इसका एक अहम स्थान है. सो आइए इसके बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. मेरा यहाँ पर जो उद्देश्य है वो केवल हिस्ट्री पढ़ाना नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ में आया हुआ है न्यूज़ को कवर करना मेरा उद्देश्य अभी इस सेशन में है. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हिस्ट्री, लेकिन हाँ उससे जुड़ा हुआ जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, डेफिनेटली आई विल लेट यू नो. मैं आपको समझाने की कोशिश जरूर करूँगा. चलिए आ जाइए, देखते हैं क्या है सब. विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, दिस इज माई कोड. इफ यू विश टू कम ऑन An Academy subscription. This is my code. Pavan 10. That's it. So, ये हमारे पास ये newspaper है उस समय का, जब आप देख पा रहे होंगे Royal Indian Naval Mutiny 1946 का. ये उस जमाने का ये newspaper है. ये आप यहाँ देखेंगे तो February 22nd का है, ये February 22nd का 1946 में, सैटरडे का. कैलकटा से पब्लिश हुआ था ये. हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है आपका, इस newspaper में इसके बारे में बताया गया था. और भी कई newspapers थे जहाँ पर मैं RIN Mutiny के बारे में बताया गया था. सो जो टाइटल इसका, इंडियन सेलर्स इन रिवोल्ट, तो ये जो इंडियन सेलर्स की बात हो रही है ना, ये HMIS तलवार शिप के ऊपर बात हो रही है, जो कि सिग्नल्स के टूट थी. आइए हम लोग बात करें, ये द हिंदू का न्यूज कवरेज रहा है. पहले मैं इसको पढ़ दूं आपके लिए. 74 years ago, यानी कि 77 साल पहले, February 18th, 1946, आपको ये डेट याद रखना है अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. कई बार ये पूछ लिया गया एग्जामिनेशन में कि जो RIN म्यूटनी था वो कब हुआ था और ये कब कंक्लूड हुआ था. ये दोनों डेट आपको याद रखने हैं. जनरली आपका जो डेट आता है वो आता है जो है इंसेप्शन का, यानी कि कब ये शुरू हुआ था. 18 फरवरी 1946, और कल 18 फरवरी था, इसलिए कई न्यूज़पेपर में इसको कवर भी किया गया है. सो 18 फरवरी 1946, लगभग 1100 जो इंडियन सेलर्स थे, इंडियन सेलर्स ये ध्यान में रखेंगे आप, इंडियन सेलर्स जो थे, जिनको रेटिंग्स भी कहा जाता था, ऑफ द HMIS तलवार एंड द रॉयल इंडियन नेवी RIN सिग्नल स्कूल, जो मैं बता रहा था सिग्नल, जो आप जानते होंगे कि आर्मी में भी कई तरीके के अभी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है, सिग्नल होता है, इन्फेंट्री होती है, कोर होता है, सप्लाई होता है, तो ये सिग्नल्स के लोग थे, ठीक है ना. इन बॉम्बे डिक्लेयर्ड अ हंगर स्ट्राइक, इन्होंने क्या एक भूख हड़ताल शुरू कर दिया था. ट्रिगर्ड बाय द कंडीशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियंस इन द नेवी, ठीक है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था उसके अगेंस्ट में उन लोगों ने हंगर स्ट्राइक कर दिया था. अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, खाना पीना सारी चीज़ों को लेकर के, जो रेशियल उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो सारे इशूज़ थे. सो नेक्स्ट, ये हिंदी में भी आप इसको पढ़ लेंगे. नेक्स्ट क्या है,
इस म्यूटनी को बोला गया था अ स्लो डाउन, द स्ट्राइक वॉज ऑल्सो कॉल्ड, विच मीन्ट दैट द रेटिंग्स वुड कैरी आउट देयर ड्यूटीज स्लोली. ठीक है ना, जो स्ट्राइक हुआ था इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि स्लो डाउन है, ठीक है, और धीरे धीरे ये अपने कर्तव्यों का पालन भी करेंगे. और ये जो शिप आपको दिख रहा है ना, ये HMIS अकबर का है, ठीक है ना, ऑन द सोर्स इज विकिपीडिया. ठीक है, मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेकिन ये बताया गया था, दिस वन इज HMIS अकबर. ये उस शिप की इमेज है. ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको देख पाएंगे. ये आपका शिप है उस समय का, HMIS अकबर है ये. अभी होता क्या है, इन्फ्यूरेटेड द कमांडर ऑफ HMIS तलवार FM किंग. ये आप याद रखेंगे कि इस समय जो जहाज था ना आपका HMIS तलवार, ठीक है ना, उसका जो कमांडर था, ठीक है ना, ये था कौन, FM किंग. ठीक है ना, रिपोर्टेडली एड्रेस द नवल रेटिंग्स एज सन ऑफ कूलीज. ठीक है ना, इन लोगों ने क्या किया, जो इसका FM किंग था, जो कमांडर था इस जहाज का HMIS तलवार, उसने क्या किया, जो अभी इंडियन सेलर्स थे यहाँ, इनको बोला गया कि ये कूलियों के बच्चे हैं एंड बीचेस हैं, बीचेस. ठीक है ना, कूली और बीचेस, यानी कि यू कुड अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या होता है. ठीक है ना, सो यहाँ हिंदी में है, इनके इस नाम से इनको कहा कूली और कुतिया के बेटे के रूप में बताया गया. एंड बीचेस विच इन्फ्लेम्ड द सिचुएशन फर्दर. ठीक है ना, जब ये कमांडर ने ऐसा कहा तो उस समय जितने भी इंडियन सेलर्स थे उनको और भी ज़्यादा इन्फ्यूरेशन फील हुआ, वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए, एंग्री हो गए, इन्फ्यूरेट कर दिया किसके स्टेटमेंट ने, FM किंग ने. अब आपके लिए ये भी याद रखना है कि इस समय जो HMIS तलवार था उस समय उसका कमांडर कौन था, दिस वॉज FM किंग. दैट इज़ इन कवर्ड इन हिंदू, द हिंदू में ये कवरेज आया हुआ है, इसलिए आपकी पीटी के लिए ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट आ जाइए, इसके कॉजेज क्या थे, वॉट वर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस म्यूटनी, इसके कारण क्या थे. द RIN म्यूटनी स्टार्टेड ऑन 18th February 1946 इन बॉम्बे. ये याद रखिएगा 18 फरवरी 1946 को कहाँ शुरू हुआ था, बॉम्बे में शुरू हुआ था. द नवल राइटिंग्स ऑन HMIS तलवार प्रोटेस्टेड. ये जहाज का नाम भी पूछा है, जहाज का नाम क्या है, ये जनरली UPSC का सवाल रहा है. प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पुअर क्वालिटी ऑफ फूड एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. मैंने अभी कहा था ना कि खाने को लेकर के, व्हाट द पुअर क्वालिटी ऑफ फूड एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स. वाइल द इमीडिएट ट्रिगर वॉज अ डिमांड फॉर बेटर फूड एंड वर्किंग कंडीशन. ठीक है ना, जो इस आंदोलन, जो ये म्यूटनी हुआ था, ये जो विद्रोह हुआ था, उसका इमीडिएट जो कॉज था वो क्या था, वो था खाने का इशू लेकर के, यानी कि बेटर फूडिंग के लिए और वर्किंग कंडीशंस को लेकर के हुआ था. ठीक है ना, द एजिटेशन सुन टर्न इनटू अ वाइडर डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. ठीक है ना, और इस एजिटेशन ने अभी क्या कर दिया, इस आंदोलन के थ्रू इस बात को और भी पोस्ट कर दिया था कि अब हमें क्या चाहिए, वाइडर डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि जितनी जल्दी हो सके हमें आज़ादी दे दो. ठीक है ना, सो इसे क्या होता है, जो आपका नेशनल मूवमेंट ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है, अब यहाँ से आपको राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता ही मिलेगी. उस इवेंट ने, ये जो आपका HMIS तलवार का जो इंसिडेंट हुआ था, उसने क्या किया, इस डिमांड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. राइट, ये हिंदी में भी है सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ. ठीक है, धीरे धीरे जो ये बॉम्बे में हुआ ये म्यूटनी, ये धीरे धीरे क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होता है. द प्रोटेस्ट स्प्रेड रैपिडली टू द कैसल एंड फोर्ट बैरक्स ऑन द सोर. ठीक है ना, एंड टू 22 शिप्स इन बॉम्बे हार्बर्स. ठीक है ना, और ये लगभग 22 जहाजों पे क्या हो गया, ये फैल गया बॉम्बे में. ठीक है ना, द रेटिंग्स इन कैलकटा, मद्रास, कराची एंड विजाग वाइजैग ऑल्सो वेंट ऑन स्ट्राइक साउटिंग स्लोगन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. और धीरे धीरे बॉम्बे से निकल करके कैलकटा, मद्रास, कराची, वाइजैग ऑल्सो वेंट टू ऑन स्ट्राइक साउटिंग एंटी ब्रिटिश स्लोगन्स एंटी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ठीक है, सो धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट ही इंडिया में इन सारी जगहों पर फैलना शुरू कर गया था. ठीक है, उस समय जो कराची होता था वो इंडिया का ही पार्ट था, सो कराची में भी चला जाता है. ठीक है, वाइजैग जो है वो आपका कहाँ है, साउथ में. सो आप ये देखेंगे, ये प्रोटेस्ट का एक इमेज है आपका उस जमाने का, द इंडियन नेवल राइटिंग्स मार्च फॉर फ्रीडम. ठीक है ना, जो RIN के लोग हैं, जो इंडियन नेवल राइटिंग्स हैं, मार्च कर रहे हैं किसके लिए, किसके लिए, फ्रीडम के लिए. आप ये देख पा रहे होंगे, जो है ये आपके सेलर्स हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, मार्च करें किसके लिए, फॉर वॉट, फ्रीडम. ठीक है, तो इसने भी नेशनल मूवमेंट को क्या किया था, आगे ये पुश किया था. राइट, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं. ये चलिए आ जाइए, ओके, क्लियर है, ये इतनी बातें क्लियर समझ में आ रही हैं. चलिए आ जाइए सर,
बाय द फॉलोइंग इवनिंग अ नवल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटी, अब ये याद रखिएगा कि दूसरे ही दिन ठीक ना शाम को एक नवल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटी बनाई जाती है, समिति बनाया जाता है, हैड बीन इलेक्टेड ठीक है ना, और इसमें म्यूटिनियर्स जो यानी कि विद्रोही थे उन्होंने क्या किया, टुक आउट अ प्रोसेशन इन बॉम्बे, उन्होंने क्या किया एक प्रदर्शन निकाला होल्डिंग अलॉफ्ट अ पोर्ट्रेट ऑफ सुभाष चंद्र बोस ठीक है ना, ये सुभाष चंद्र बोस का पोर्ट्रेट निकाल कर क्या करेंगे ये मार्च करेंगे, देयर शिप ऑल्सो रेज द फ्लैग्स ऑफ द कांग्रेस मुस्लिम लीग एंड कम्युनिस्ट पार्टी, ये याद रखिएगा कि इनके जो जहाज थे ना जो म्यूटनी हो रहा था बॉम्बे में इनके ऊपर किसके किसके झंडे लहराए जाते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय, मुस्लिम लीग के एंड कम्युनिस्ट पार्टी के ठीक है ना, क्योंकि देश अभी हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, अभी हम लोग एक थे, राष्ट्रीय आंदोलन में सॉलिडारिटी का एक परिचय था कि इस विद्रोह के दौरान ये याद रखिएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कांग्रेस मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ठीक है ना इन सबों के क्या झंडे लहराए जा रहे थे, दैट शोज सॉलिडारिटी, यहाँ पर कोई आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट नहीं दिखाई दे रहा था बल्कि जो म्यूटिनियर्स थे यानी कि जो विद्रोही थे वो कह रहे हैं एक नेशनल सॉलिडारिटी का परिचय भी दिखाई दे रहे हैं ठीक है ना, वो ना केवल कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना कम्युनिस्ट पार्टी ना केवल मुस्लिम लीग बल्कि सभी के झंडे आपस में लहरा रहे हैं ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ये हिंदी में है कि उनके जहाजों ने कांग्रेस मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे भी उठाए। नेक्स्ट आ जाइए, द डिमांड्स फॉर एडवांस्ड बाय द नवल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटी, जो कमिटी बनाई गई थी उसने कुछ मांगे रखी, अभी जो समिति बनाई गई है नवल सेंट्रल स्ट्राइक बॉम्बे में ठीक है ना, उसकी मांगे थी ठीक है ना, कंबाइंड सर्विस ग्रीवांस विद वाइडर नेशनल कंसर्न्स, और क्या क्या थे ये, कहा गया कि INA यानी कि आप जानते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के जो बंदी बनाए गए हैं पर्सनल हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाए, उनको मुक्त कर दिया जाए, उनका एक डिमांड ये आया। दूसरा ने ये कहा कि इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम इंडोनेशिया उनको वहां से बुला लिया जाए, यानी कि इंडियन ट्रूप्स को कहां भेजा गया था, इंडोनेशिया भेजा गया था, उसको वहां से विड्रॉ करने की बात हो रही थी। तीसरा ये डिमांड था द एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन ऑफिसर्स ओनली एज सुपीरियर्स ठीक है ना, इंडियन ऑफिसर्स को क्या ना सुपीरियर होना चाहिए, अभी तक उनको सबॉर्डिनेट पोजीशन दिया गया था, इन्फेरिटी फीलिंग आ रही थी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, मेंस में अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट वेयर डिमांड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिखिएगा, इसको हल्के में प्लीज़ मत लीजिएगा, डिमांड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये सारे के सारे आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये जनरली आपको किताबों में मिलेगा नहीं, जनरली किताबों में अवॉइड किया जाता है, न्यूज़पेपर में है, इसलिए आप इसको बहुत तरीके से ध्यान में रखिए ठीक है। सो रिलीज ऑफ INA की बात हो रही थी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रूप में, विड्रॉल ऑफ इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम इंडोनेशिया हो रहा था, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन ऑफिसर्स ओनली एज सुपीरियर्स राइट, हिंदी में भी आपके पास है ये, INA के कर्मियों और उन राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात की, इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी, केवल वरिष्ठों के रूप में भारतीय अधिकारियों की स्वीकृति, उसके क्या है एक्शन अगेंस्ट द कमांडर फॉर द इल ट्रीटमेंट एंड यूजिंग इंसल्टिंग लैंग्वेज, जो अभी बोला गया था ना कुली और कुतिया के बच्चे के रूप में इनको बोला गया, बीचेस एंड कुलीज के चाइल्ड के रूप में बोला गया, उसके साथ क्या होना चाहिए एक्शन लिया जाना चाहिए, जो उसने इल ट्रीटमेंट यानी कि दुर्व्यवहार किया था यूजिंग इंसल्टिंग लैंग्वेजेस, इसके लिए रिविजन ऑफ पे एंड अलाउंसेस टू पुट INA एम्प्लॉयज ऑन पार विद देयर काउंटर पार्ट्स इन द रॉयल नेवी, इन्होंने कहा था कि जो सैलरी और अलाउंसेस दिया जा रहा है ना अलाउंसेस दिया जा रहा है उसको बराबर किया जाए अंग्रेजों के बराबर, जो इंडियंस थे सेलर्स और जो वाइट सेलर्स थे उनको कहा गया उनकी सैलरी को बराबर किया जाए, ये भी एक डिमांड था। फिर उन्होंने कहा था कि डीमोबिलाइजेशन ऑफ INA पर्सन्स विद प्रोविजंस फॉर पीस टाइम एम्प्लॉयमेंट ठीक है ना, इन्होंने कहा था कि पीस टाइम एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जनरली इनको वॉर के टाइम में केवल इन्वॉल्व रखा जाता था, उन्होंने कहा कि जब वॉर के टाइम में केवल इन्वॉल्व रखेंगे तो पीस टाइम में हमारा क्या होगा, इसलिए आप पीस टाइम एम्प्लॉयमेंट की भी बात हमारे लिए करें ठीक है। बेटर ट्रीटमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स बाय देयर ऑफिसर्स, जो अधीनस्थ थे सोल्जर्स थे उनको कहा गया कि बेहतर क्या किया जाए उनके साथ व्यवहार किया जाए उनके सीनियर्स के द्वारा उनके ऑफिसर्स के द्वारा, सो दीज वर द डिमांड्स राइट। सो यहाँ हिंदी में भी है ये, दुर्व्यवहार करने वाले और अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के लिए कमांडर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, FM किंग के अगेंस्ट में जो अभी आपने सुना था FM किंग, रॉयल नेवी में अपने समकक्षों के साथ RIN कर्मचारियों को बराबर रखने के लिए वेतन और भत्तों का संशोधन, उसके बाद पीस टाइम रोजगार के प्रावधानों के साथ RIN कर्मियों का क्या किया जाना चाहिए डिमोबिलाइजेशन किया जाना चाहिए, अपने अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों का बेहतर इलाज किया जाना चाहिए यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सो दीज वर द डिमांड्स ठीक है। अब होता क्या है कि बम्बई के बाहर जो हड़ताली नौसेना प्रतिष्ठानों में रेटिंग ने इन विषयों को प्रतिध्वनित किया, यानी कि ये केवल बॉम्बे में नहीं हुआ बम्बई के बाहर भी ये मांगे चली गई ठीक है ना, यानी कि अगर देखें तो व्यापक स्तर पे इसका देखेंगे क्या इसका डिमांड होना शुरू हो गया, जो RIN म्यूटनी के जो म्यूटिनियर्स थे उन जो डिमांड रखा था वो कई और जगह तो फैलना शुरू हो गया। सो विभिन्न स्थानों पर विद्रोह का समन्वय बोर्ड HMSI तलवार के लिए सिग्नल संचार उपकरण द्वारा किया गया था,
इस छोटे विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उत्तर परिवर्ती लोगों के लिए बड़े पैमाने पर समर्थन का समर्थन करना था। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिग्निफिकेंस क्या है, कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस शॉर्ट अपराइजिंग वॉज मैसिव आउटपोरिंग ऑफ द पब्लिक। ठीक है ना, ये मात्र 3 दिन का रहा था, शॉर्ट अपराइजिंग था ये, ठीक है ना। इसमें बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला था, मैसिव आउटपोरिंग हुई थी पब्लिक सपोर्ट का फॉर द म्यूटिनियर्स, ठीक है ना। यानी कि विद्रोहियों को जबरदस्त यहाँ पर सपोर्ट मिला था पब्लिक से, ठीक है, ये इसकी सफलता को भी बताता है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ों को ध्यान रखें, मैं थोड़ा रिमाइंड करवा दूँ आपको। पहली बात तो ये कि ये क्या करता है, ये यहाँ पर मैं पूरे के समन्वय की बात करता है, नेशनल सॉलिडारिटी की बात करता है। एग्जाम्पल क्या, अपने जहाज पे केवल कांग्रेस का ही झंडा नहीं लहराया, मुस्लिम लीग का, कम्युनिस्ट पार्टी का भी। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स ये केवल और केवल अपने लिए नहीं थे, बल्कि कई दूसरे पॉलिटिकल डिमांड्स भी थे। जैसे INA के जो बंदे, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उनकी रिहाई के ऊपर बात हो रही थी, सुभाष चंद्र के ऊपर बात हो रही थी, ठीक है। इसके अलावा इनके जो सर्विस कंडीशन है उसके ऊपर बात हो रही थी, ठीक है। और इसकी सफलता इस बात से भी जाहिर होती है कि इन्हें इस छोटे से म्यूटनी का, यानी कि मात्र 3 दिन का म्यूटनी का, ज़बरदस्त पब्लिक सपोर्ट मिला था, जो इसकी सफलता को बताता है। ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपसे बताया इट इज़ नॉट क्लास ऑफ हिस्ट्री, बल्कि ये न्यूज़पेपर के थ्रू मैं सबको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ कभी हिस्टोरिकल एंगल की ज़रूरत होती है वो मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे ये। इज इट क्लियर? सो ये बातें हो गई। अब देखते हैं, जो सिटी ऑफ बॉम्बे था, स्पेशली द लेबरिंग क्लासेस वेंट ऑन अ स्ट्राइक ऑन 22 फरवरी इन सॉलिडारिटी, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, जो लेबर क्लास था ना, लेबर क्लास ये जो मजदूर वर्ग था, उन्होंने क्या किया, इस विद्रोहियों के समर्थन में 22 फरवरी को ये लोग क्या करेंगे, ये लोग भी हड़ताल पे चले जाएंगे। ये प्लीज़ याद रखिएगा, UPSC इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि जो RIN म्यूटनी के जो विद्रोही थे उनके समर्थन में मजदूर वर्ग कब जो है वो हड़ताल पे चला गया, तो दिस वॉज ऑन 22 फरवरी, ठीक है। 18 फरवरी को शुरू हुआ, 22 फरवरी को मजदूरों ने उनके समर्थन में क्या कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। द म्यूटनी क्लियरली पोर्ट्रेड ऑन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस, ठीक है। और ये शब्द याद रखिएगा, ये पूरी तरीके से नेशनल सॉलिडारिटी, यूनिटी को एक्सप्रेस करता है, एकता को बताता है। व्हेन इट केम टू कन्फ्रंटिंग द ब्रिटिश, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वन वॉज अ सिविलियन और डिफेंस पर्सनल, यहाँ पर सब क्या करेंगे, जो सिविलियंस हैं और जो डिफेंस वाले हैं लोग हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर के क्या करेंगे, इस आंदोलन में मूव करेंगे। द पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वॉज ब्रॉट टू अ हॉल्ट, इसमें क्या क्या किया गया, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसको बिल्कुल डिसरप्ट कर दिया गया, नेटवर्क को रोक दिया गया, ठीक है ना। ट्रेन्स वेर बर्न्ड, ठीक है ना, जो ट्रेन थे उनको जला दिया गया, रोड ब्लॉक्स कर दिए गए थे, वेर इरेक्टेड एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट वेर शट डाउन, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछ सकता है कि RIN म्यूटनी में जो कार्यक्रम था, ठीक है ना, व्हाट वर देयर प्रोग्राम्स, जो मूवमेंट का था, तो आप ये सभी उसमें कोट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये भी बताएंगे यूनिटी एक्सप्रेस हुआ, साथ ही साथ ये उनका था कि जो भी पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था उन सबको डिसरप्ट कर दिया गया, बसों को, ये क्या कहते, ट्रेनों को जला दिया गया, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया, रोड ब्लॉक्स किए गए, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट वगैरह को सबको बंद कर दिया गया, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। फॉलोइंग एश्योरेंसेस ऑफ सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट फ्रॉम द वल्लभ भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ये याद रखिएगा, दोनों नाम फिर आपके लिए महत्वपूर्ण है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से ही क्या होता है कि ये जो आपका RIN म्यूटनी था वो क्या होता है, वो हॉल्ट हो जाता है, सस्पेंड, रुक जाता है, ठीक है ना। ये होगा कब, जब 23 फरवरी को क्या करेंगे, ये लोग सरेंडर कर देंगे, ठीक है ना। बट इस बीच में होता है कि 18 से लेकर के जो 23 फरवरी हुआ है, इस दौरान लगभग 228 जो सिविलियंस थे उनकी मृत्यु हो गई और 1046 जो लोग थे इन 3 दिनों के अंतर्गत वो इंजर्ड हो गए, यानी कि घायल हो गए, ठीक है। सो ये दोनों नाम याद रखिएगा प्लीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके इंटरवेंशन से जो RIN म्यूटनी था उसको हॉल्ट किया गया, उसको रोका गया, दिस वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ठीक है। दैट इज इवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, राइट। सो दिस आर द वे, छोटा टॉपिक है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PT एंड मेन्स एज वेल। जो लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, वैसे मेरी बातें कम लोगों को शायद समझ में आ रही हैं आजकल, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप से मुझे लगने लगा है आजकल, ठीक है, लेकिन जो लोग समझ पा रहे हैं उसको प्लीज़, जो भी सीरियसली देख रहे हैं इसको प्लीज़ देखिएगा और समझिएगा, उसका एक नोट्स बना के रख लीजिएगा, क्योंकि मैं छोटी सी बातों में, ये PPT आपके पास PDF चला जाएगा, उससे सारी चीज़ों को नोट करके अपना एक नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आ जाइए, ये क्या चल रहा है, शिवम सिंह हाफ टी, ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा, ठीक है ना, महत्व देख लीजिए।
अभी होता क्या है कि एक घटना थी जिसने ब्रिटिश शासन के अंत को देखने के लिए भारतीय लोगों के सभी वर्गों के बीच दृढ़ संकल्प को मजबूत किया। तो पहले बार जो महत्व था कि अभी देखते हैं कि अभी 1946-47 में आज़ादी मिलती है, इस छोटी सी घटना ने क्या किया, लोगों के अंदर एक भावना को बिल्कुल कूट करके भर दिया, इस बार को कर दिया कि जितनी जल्दी हो सके ब्रिटिश जो दास्ता है उससे हम लोग निगमुक्त हो जाए, ठीक है ना। ब्रिटिश शासन के अंत को देखने के लिए भारतीय लोगों के सभी वर्गों के बीच दृढ़ संकल्प को यानी कि मजबूत कर दिया, यानी कि जो हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो और इस इवेंट की वजह से क्या होता है, वो स्ट्रांग होना शुरू हो गया। जो धार्मिक समूहों के बीच गहरी एकजुटता और सौहार्द का प्रमाण था, जो सांप्रदायिक घृणा और व्यवस्था के तेजी से फैलते वातावरण के लिए काउंटर चलता दिखाई देता है, ठीक है ना। यानी इस समय अगर हम देखें तो अभी हमारे यहाँ क्या था, कम्युनलिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि आप जानेंगे जब से पाकिस्तान का डिमांड कर दिया गया, ठीक है ना, उसके बाद से हमारे यहाँ संप्रदाय काफ़ी ज़्यादा जो सांप्रदायिक हिंसे थे, जो कम्युनल वायलेंस था वो क्या हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन इस आंदोलन के दौरान हम देखेंगे क्या कि एक बार फिर से सभी लोग एक झट इकट्ठे होते हैं और नेशनल सॉलिडैरिटी, नेशनल इज़ अ टर्म, ठीक है ना, ये नेशनल सॉलिडैरिटी की बात होती है, यूनिटी का प्रमाण दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है सो क्या होगा कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को अभी मजबूत करेगा और संकल्प को मजबूत करेगा कि जितनी जल्दी हो सके ब्रिटिशर्स यहाँ से निकल के चले जाएं, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी, वो भी बता दूँ, हालांकि सांप्रदायिक एकता को दो प्रमुख समुदायों के बीच एकता की तुलना में संगठनात्मक एकता की प्रकृति में अधिक था ये, ठीक है ना, और ये क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल भी था, कॉम्युनल यूनिटी वॉज मोर इन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी दैन अ यूनिटी अमंग द टू मेजर कम्युनिटीज विद इन मंथ्स इंडिया वॉज टू बी डिवोर्ड बाई अ टेरेबल कॉम्युनल कन्फ्लिग्रेशन, ठीक है। सो दैट इज द अचीवमेंट ऑफ दिस, सो आई बिलीव यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस, ओके। एंड चलिए मैं बता दूं कि आज मैंने मेल कर दिया है आपके लाइव क्लास के लिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री का जो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट वन है वो मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ, और पार्ट टू होगा वो भी शुरू करूँगा जल्दी ही, ठीक है। ये दोनों सेशंस आप लोग देख लीजिएगा जो आपके 2020 और 2021 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 2021 वाला इसके साथ साथ अपना नोट्स भी बना लीजिएगा, एंड दिस इज माई कोड पवन 10, प्लीज़ डोंट फॉरगेट, अगर आपको लगता है आई कैन डू एनीथिंग सो ज्वाइन थ्रू दिस कोड, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।